मामले में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट। एक बार अपने बच्चे को खोने के बाद कैसे हो जाएगी इमली प्रेग्नेंट, चलिए पूरी अपडेट हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको बता दूँ कि इमली प्रेग्नेंट होती है, उस दौरान उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो कि किए जा रहे थे, और उस दौरान ही इमली झूले पर से गिर जाती हैं और इसके बाद इमली का अबॉर्शन हो जाता है। वेल, डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि इमली अब कभी माँ नहीं बन पाएगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनके फैमिली मेम्बर्स सुपरस्टिशंस में बिलीव करने लगते हैं और कुछ बाबा और कुछ पंडितों के पास इमली को लेकर जाते हैं। उस दौरान इमली को वो पंडित कहते हैं कि आपको अपने ब्लड को डोनेट करना होगा, यहाँ सामने में ही आपको कट लगाने होंगे अपने हैंड्स पे, और वहाँ से जो ब्लड्स आएंगे वो हमें डोनेट करना होगा। जिसके बाद नर्मदा और इमली की जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सिवाय आर्यन के सभी लोग फोर्स करते हैं इमली को ऐसा करने के लिए। फिर जैसे ही हाथ कटने ही वाली होती है, वैसे ही आर्यन को ये सारी चीज़ें पता चल जाती है और आर्यन उस वक्त वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके बाद कि इमली को इन चीज़ों से करने से रोक देते हैं। आपको बता दूं कि आर्यन जो हैं वो उसके बाद ही काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि जिस वक्त इमली घर आती हैं तो एक पूजा होता है और उस दौरान इमली बेहोश हो जाती है और उसके बाद ही पता चलता है कि इमली प्रेग्नेंट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आने वाला है कि इमली जो है, जी हाँ, इमली जो है यानी आर्यन, इमली प्रेग्नेंट हो जाती है और आर्यन के हाथ में उनका रिपोर्ट आता है कि आर्यन कभी बाप नहीं बन सकते। जिसके बाद इमली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा शौक तो नहीं होती, क्योंकि इमली को ये बात नहीं पता होती, लेकिन आर्यन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि जब वो बाप नहीं बन सकते तो इमली आखिरकार दोबारा प्रेग्नेंट हुई कैसे। वेल, आखिरकार ज़बरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए, आगे की कहानी को जानने के लिए आपको तो देखना पड़ेगा इमली। लेकिन फिलहाल इस ज़बरदस्त ट्विस्ट के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।